नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सैफ अली खान की सभी फिल्मों के बारे में, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सैफ अली खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में आई परंपरा फिल्म से की और इस फिल्म को 3,07,00,000 की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की दुनिया भर से 4 करोड़ की और इसकी पहले फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल ही इसकी दूसरी फिल्म आई आशिक आवारा और इसकी भारत से कमाई हुई थी 1,75,00,000 की और यह बिलो एवरेज रही थी। इसी साल इसकी तीसरी फिल्म आती है पहचान और दोस्तों इसकी लागत थी 1,85,00,000 और इसकी कमाई हुई 3,80,00,000 और ये एवरेज हुई थी। 1994 में सैफ अली खान की चौथी फिल्म आई इम्तिहान 1,90,00,000 की बजट में बनी इस फिल्म की कमाई हुई दुनिया भर से 5,87,00,000 की और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई दिल लगी और दोस्तों 2 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई थी 10,77,00,000 और इसी के साथ ही यह इसकी पहली सुपरहिट फिल्म बन गई। इसी साल ही इसकी फिल्म आई थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और इसकी लागत थी मात्र 3,25,00,000 की और इसकी कमाई हुई 13,84,00,000 और यह भी सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई फिल्म यार गद्दार और इसकी लागत थी 2,10,00,000 की और इसकी कमाई हुई 4,09,00,000 और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई आओ प्यार करे 1 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म की कमाई हुई 2,43,00,000 और इसी के साथ ही यह फ्लॉप रही। 1995 में इसकी फिल्म आई सुरक्षा और 2,50,00,000 में बनी इस फिल्म की कमाई हुई 6,47,00,000 और यह अबोव एवरेज रही। अगली फिल्म आई 1996 में एक था राजा और दोस्तों 3,50,00,000 की लागत में बनी इस फिल्म की कमाई हुई 4,51,00,000 और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई बम्बई का बाबू 2,25,00,000 की लागत में बनी इस फिल्म की कमाई हुई 3,11,00,000 की और यह एवरेज रही। इसी साल ही इसकी फिल्म आती है तू चोर में सिपाही और दोस्तों इसकी लागत थी 4,25,00,000 और इसकी कमाई हुई 10,78,00,000 और यह अबव एवरेज रहती है। इसके बाद आई दिल तेरा दीवाना और 3 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई थी 6,15,00,000 की और यह एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई 1997 में हमेशा और इसकी लागत थी 4 करोड़ और इसकी कमाई हुई मात्र 2,99,00,000 और यह डिजास्टर रहती है। इसके बाद आई उड़ान और इसकी लागत थी 2,50,00,000 और इसने कमाई की 2,41,00,000 और इसी के साथ यह भी डिजास्टर रहती है। अगली फिल्म आई सैफ अली खान की 1998 में कीमत और 4,75,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म की दुनिया भर से कमाई हुई 9,20,00,000 और ये एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद आई थी हमसे बढ़कर कौन और इसकी लागत थी 2,25,00,000 और इसने कमाई की 4,03,00,000 की और यह बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म आई इसकी 1999 में यह है मुंबई मेरी जान और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई कच्चे धागे और 10 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई थी 28,88,00,000 की और इसी के साथ ही यह हिट हुई थी। इसके बाद फिल्म आई आरजू और 8 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 10,76,00,000 और यह फ्लॉप रहती है। इसी साल ही सैफ अली खान की फिल्म आई हम साथ साथ हैं और दोस्तों इसकी लागत थी मात्र 17 करोड़ और इसने कमाई की दुनिया भर से 81,71,00,000 और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। अगली फिल्म आई साल 2000 में क्या कहना और इसकी लागत थी 4 करोड़ की और इसने कमाई की दुनिया भर से 22,17,00,000 और इसी के साथ ही यह ब्लॉकबस्टर रहती है। दोस्तों इसकी अगली फिल्म आई साल 2001 में लव के लिए कुछ भी करेंगे और इस फिल्म की लागत थी 5,75,00,000 और इस फिल्म की कमाई हुई 10,34,00,000 और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही इसकी फिल्म आई दिल चाहता है और इसकी लागत थी 14 करोड़ और इसने कमाई की दुनिया भर से 39,72,00,000 और यह सेम हिट रहती है। इसके बाद फिल्म आई रहना है तेरे दिल में और दोस्तों 6 करोड़ की
बजट से बनी इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ 17 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म आई साल 2002 में ना तुम जानो ना हम, और 14 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 19 करोड़ 29 लाख और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2003 में इसकी फिल्म आई डरना मना है, और 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई की मात्र 9 करोड़ 1 लाख और ये एवरेज रही। इसके बाद फिल्म आई कल हो ना हो, और 28 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाई की 86 करोड़ 59 लाख और यह हिट हुई थी। इसी साल ही फिल्म आई LOC कारगिल, और दोस्तों इसकी लागत तो थी 33 करोड़ लेकिन इसने मात्र 31 करोड़ 67 लाख ही कमा पाई, जिस वजह से यह डिजास्टर रहती है। अगली फिल्म आई 2004 में एक हसीना थी, और 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 6 करोड़ 88 लाख और ये एवरेज रही। इसी साल ही सैफ अली खान की फिल्म आई हम तुम, और दोस्तों इस फिल्म की लागत तो थी मात्र 8 करोड़ 50 लाख और इसने दुनिया भर से 42 करोड़ 64 लाख की बम्पर कमाई की, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। अगली फिल्म आई साल 2005 में परिणीता, 17 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 32 करोड़ 63 लाख और यह बिलो एवरेज रहती है। इसी साल ही फिल्म आई सलाम नमस्ते, और इसकी लागत थी मात्र 11 करोड़ और इसने दुनिया भर से 57 करोड़ 23 लाख की बम्पर कमाई की, और इसी के साथ ही यह सुपर हिट रहती है। अगली फिल्म आई इसकी साल 2006 में बीइंग साइरस, और दोस्तों यह एक इंग्लिश फिल्म थी, और 4 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई मात्र 7 करोड़, जिस वजह से यह फ्लॉप रही। इसी साल ही फिल्म आती है ओमकारा, और 26 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 42 करोड़ 41 लाख और यह भी फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इसकी साल 2007 में एकलव्य, और 30 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 38 करोड़ 85 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही फिल्म आई नेहले पे देहला, 7 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई कर पाई थी मात्र 6 करोड़ 41 लाख, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही फिल्म आई थी तारा रम पम, और 30 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 69 करोड़ 15 लाख और इसी के साथ ही यह सेमी हिट रहती है। 2008 में इसकी फिल्म आई रेस, और 46 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई की दुनिया भर से 103 करोड़ 68 लाख और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी टसन, 31 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 51 करोड़ 62 लाख और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, 23 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 37 करोड़ 25 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद दोस्तों इसकी एक एनिमेटेड फिल्म आई थी रोड साइड रोमियो, और इसकी लागत थी 15 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 8 करोड़ 71 लाख और यह डिजास्टर हुई थी। वैसे दोस्तों यह फिल्म मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। 2009 में इसकी फिल्म आई सनम तेरी कसम, और 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई की मात्र 7 लाख 25 हजार, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इसकी फिल्म आई लव आजकल, और इसकी लागत थी मात्र 56 करोड़ और इसकी कमाई हुई 119 करोड़ 52 लाख की और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई कुर्बान, और 50 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई कर पाई थी मात्र 46 करोड़ 42 लाख की, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई इसकी साल 2011 में आरक्षण, और 53 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई की दुनिया भर से 64 करोड़ 53 लाख और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई साल 2012 में एजेंट विनोद, और 62 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 74 करोड़ 57 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई कॉकटेल, 45 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 125 करोड़ 23 लाख की और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद साल 2013 में इसकी फिल्म आई थी रेस 2, 85 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाई की 173 करोड़ 36 लाख की और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद फिल्म आती है गो गोवा गॉन, और 19 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई की 37 करोड़ 82 लाख और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद फिल्म आई बुलेट राजा, 50 करोड़
करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई की 55 करोड़ 43 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इसकी साल 2014 में हमसकल्स, और दोस्तों इसकी बजट थी 64 करोड़। कमाई हुई इस फिल्म की 105 करोड़ 28 लाख और यह बिलो एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आती है हैप्पी एंडिंग, इसकी बजट तो थी 55 करोड़ लेकिन इसने मात्र 38 करोड़ 1 लाख ही कमा पाई, जिस वजह से यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद फिल्म आई साल 2015 में फैंटम, और 70 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 81 करोड़ 62 लाख और यह फ्लॉप रही। 2017 में इसकी फिल्म आई रंगून, और 80 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई मात्र 41 करोड़ 14 लाख, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद फिल्म आई सैफ, और दोस्तों इस फिल्म की बजट तो थी 13 करोड़ लेकिन इसने 10 करोड़ 6 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह भी डिजास्टर हुई थी। दोस्तों अगली फिल्म आई 2018 में काला कांडी, और 20 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई की मात्र 9 करोड़ 60 लाख और यह डिजास्टर रहती है। इसके बाद आई बाजार, और 40 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 39 करोड़ 11 लाख, जिस वजह से यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई 2019 में लाल कप्तान, और दोस्तों इस फिल्म की बजट तो थी 30 करोड़ लेकिन इसने भारत से कमाई की 2 करोड़ 80 लाख, जिस वजह से यह तो बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2020 में सैफ अली खान की फिल्म आई तानाजी, और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 125 करोड़ और इसने दुनिया भर से 367 करोड़ 58 लाख की बम्पर कमाई की, जिस वजह से यह ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद फिल्म आई थी जवानी जाने मन, 35 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 44 करोड़ 77 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। 2021 में इसकी फिल्म आई भूत पुलिस, और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई थी। अगली फिल्म आई इसकी बंटी और बबली 2, और इसकी लागत थी 30 करोड़, कमाई हुई इसकी 22 करोड़ 15 लाख, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2022 में इसकी फिल्म आई विक्रम वेधा, और दोस्तों 175 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की कमाई हुई 135 करोड़ 3 लाख की और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। वैसे दोस्तों यह फिल्म मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। इसके बाद दोस्तों साल 2023 में सैफ अली खान की फिल्म आने वाली है आदि पुरुष, इसी साल ही इसकी एक और फिल्म आने वाली है टाइगर 3। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमें सैफ अली खान कैमियो अपीयरेंस के तौर पे नजर आने वाले हैं और इसकी बजट होने वाली है लगभग 300 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों यह था सैफ अली खान का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।